जी जी, मैं मीता जी के ऑफिस से आया हूँ। आइए। मॉम, ये लोग मीता जी के ऑफिस से। जी, मैं वो ऑर्डर की साड़ियाँ लेने आया हूँ, वैन बाहर है। आग में तो सारी साड़ियाँ जल गई हैं। शारदा जी क्या करेंगी? I'm sorry, लेकिन वो आइए, आप मेरे साथ यहाँ आइए। आप लोग भी आइए। पता नहीं अब क्या होगा, ये लोग तो हमें मोहलत भी नहीं देंगे। सारी साड़ियाँ तो जल चुकी है, अब दिखाने के लिए बचा ही क्या है? मुझे लगा था कि फैक्ट्री के साथ सारी साड़ियां जल गई। साक्षी, तू जानती है ना, जब भी मैं कोई नया काम करती हूँ तो सबसे पहले भगवान के सामने रख देती हूँ। बचपन की आदत है ना, तो जब हमारा ऑर्डर तैयार हुआ तो सबसे पहले मैंने इसे भगवान के चरणों में रख दिया आशीर्वाद के लिए। और भगवान की माया देख, फैक्ट्री में आग लग गई लेकिन हमारी सारी साड़ियां बच गई। शारदा जी, आपने हमारी मेहनत को जलने से बचा लिया। You're great, mom. You're great. You're the best. सब भगवान का आशीर्वाद है। भगवान, इतनी मुश्किलें आई, कई बार तो मेरी हिम्मत ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन विश्वास ने मन का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और ये आपका आशीर्वाद ही है कि आज मैंने और इन सब ने अपनी पहचान साबित कर दी। पल्लवी जी घर में हैं? जी है। हेलो पल्लवी। तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे वहां आने तक इंतजार नहीं कर सकता था। तुम भले ही मेरे दोस्त हो लेकिन तुम एक डॉक्टर हो, किसी को भी शक हो सकता है। पल्लवी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ आना जरूरी था। रिपोर्ट्स आ गई हैं और खबर अच्छी नहीं है। क्या है रिपोर्ट्स में? बहुत तेजी से बढ़ रहा है तुम्हारा बोन कैंसर, और अब तो लास्ट स्टेज पर आ गया है। कितना वक्त है मेरे पास? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, शायद इससे भी कम। जो काम मुझे पूरा करना है उसके लिए मुझे इससे ज्यादा वक्त चाहिए भी नहीं।
देखो पल्लवी, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें अपनी फैमिली वालों को ये सब बता देना चाहिए तुम्हारी बीमारी के बारे में। बता दूंगी, वक्त आने पर सब बता दूंगी। पल्लवी देखो, मैं एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते ये सब कह रहा हूँ। देखो तुम एक बेटी हो, बहू हो, एक माँ हो, तुम्हें अपनी फैमिली को इस तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तुम जानती हो जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तब उन्हें कितना दुख होगा। इसीलिए मैं तुम्हें इतने दिनों से कह रहा हूँ, तुम उन लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बता दो ताकि उनको संभलने का मौका मिले। सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। देखो पल्लवी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे तो डर लग रहा है कि तुम अभी जैसी हो वैसी नहीं रहोगी, यहां तक कि तुम चल फिर भी नहीं सकोगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो अभी ही करना पड़ेगा। बेटा देख, आखिर में सब अच्छा हो ही गया ना। हाँ माँ। माँ, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद शनाया ने पापा के सामने आपका साइड लिया। बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, वो भटक गई है, वो बुरी लड़की नहीं है। हाँ माँ, लेकिन शनाया की गलती सुधारते सुधारते हमें कितनी भारी कीमत भरनी पड़ी। आपको चोट लगी, पूरी फैक्ट्री जल गई, बहुत नुकसान हुआ है। चल अब तू इतनी चिंता मत कर, सब ठीक हो गया है ना। बेटा तुझे क्या लगता है, मीता जी को हमारी साड़ियाँ पसंद आई होंगी ना? Of course माँ, साड़ी ऑसम है क्योंकि वो डिजाइन आपके हैं ना। पता नहीं बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। Don't worry माँ, आपको पता है ना कि आपने अच्छा काम किया, तो बस चिंता मत कीजिए। अब एक सेकंड में देखती हूँ। अरे मीता जी आइए ना। मीता जी, अरे मीता जी नमस्ते। नमस्ते, आइए 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 ना। ये आपके हाथ को क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। मीता जी आपको साड़ियाँ पसंद आई ना? पसंद आई? बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी साड़ियाँ बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। सच? इसीलिए तो ये लाई हूँ आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी मीता जी? मुझे आपकी टैलेंट पे हमेशा से यकीन था, लेकिन इस बार तो आपने कमाल कर दिया। इतने कम समय में, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट कर दिया। I'm just amazed, शारदा जी। शुक्रिया मीता जी। अब शारदा जी तैयारी कर लीजिए। तैयारी? अब कहाँ जाना है हमें? जिंदगी के खूबसूरत सफर पे, जहाँ सफलता कदम चूमती है। क्या मतलब? अब शारदा जी बहुत जल्द आप रिच एंड फेमस बनने वाली है ना, अब उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। साक्षी? ऑफ कोर्स मीता आंटी। हाँ माँ। शारदा जी, एज यूजुअल आपके टैलेंट की मैं कोई कीमत नहीं लगा पाई, इसीलिए ये ब्लैंक चेक लाई। जो भी अमाउंट आपके जी में आए आप इसमें भर दीजिएगा। जी लीजिए ना। शारदा जी, मैं जानती हूँ कि आपकी फैक्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन टेक योर टाइम,
आप जब भी रेडी हो जाएं, ये याद रखिएगा कि आपकी पहली क्लाइंट मैं। अच्छा, अब मैं चलती। अरे नहीं मिता जी, आप चाय पी के जाइए। हाँ माँ, मैं अभी चाय। अरे नहीं, अगली बार पी लूंगी ना। अब तो मिलना जुलना बना ही रहेगा, साथ में काम जो करना है। अब मैं चलती। नमस्ते। अरे साक्षी, क्या हुआ? माँ साक्षी, माँ पकड़ लीजिए मुझे, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। मैं पेंट हो जाऊंगी माँ। अरे तुम तो हैप्पी कहाँ था ना? यू आर द बेस्ट। ना ना ना, बेस्टेस्ट। आई लव यू माँ, आई लव यू। शनाया, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? वो भी विदाउट नॉक किए। गेट आउट। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? हाँ मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से वरना मॉम को बुलाऊंगी। ओके बुलाओ, बुलाओ मॉम को। क्यों? पूरे वर्ल्ड को बुलाओ, सबको ये पता चलना चाहिए। या मैं बुलाऊं पुलिस को? क्या हो रहा है यहाँ? चिराग क्या बात है? शनाया ने मॉम की फैक्ट्री में आग लगा दी है। क्या? सब कुछ जल के खाक हो गया। ओ प्लीज, अब यहाँ खड़े रहकर ना ड्रामा मत क्रिएट करो। तुम्हारी मॉम ने खुद कहा है कि उन्होंने कुछ कैंडल वैंडल वहाँ जला रखी थी फैक्ट्री में, और उसकी वजह से आग लगी है। सो डोंट ब्लेम मी, मैं तो बस ऐसे ही फंस गई हूँ यहाँ पर। तुम कितनी झूठी हो, तुमने खुद कहा था कि तुमने माँ की फैक्ट्री में आग लगाई है। और रियली तो मैं ही कह रही हूँ ना कि मैंने आग नहीं लगाई, बस। तुम कितनी झूठी हो। देखो चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। ओके और जाके बाहर चिल्लाओ ना, पहले साबित करो फिर बोलो। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। शनाया, नाउ आई एम वॉचिंग यू। अगर तुमने अब मेरी फैमिली को हार्म करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गया? Now just go. जिस रूम से तुम मुझे बाहर भेज रही हो ना, और जिस घर में तुमने और तुम्हारी मार वो छोटे चूजे ने कब्जा कर रखा है, वो आज भी मेरी माँ का है, तो इस बात को भूलो मत। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम तीनों को यूं चुटकी में घर से बाहर निकाल दो। So be in your limits. अब आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? आप भी जाइए ना अपने पोते के साथ। मुझे सब पता है आप मेरी मॉम के साथ ना किस तरह बिहेव करती है। आपको भी कोई परवाह नहीं है हमारी। इनफैक्ट किसी को परवाह नहीं है हमारी। सो प्लीज लीव अस अलोन। मेरी जान बचाकर क्या साबित करना चाहती हैं कि आप बहुत महान हैं? आप दुनिया को बेवकूफ बना सकती हैं लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूं आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है। ये सब कुछ करके आप इस घर में आके मेरी मॉम की जगह लेना चाहती हैं ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी मॉम की जगह कोई नहीं ले सकती, कोई भी नहीं। तेजी से बढ़ रहा है और अब तो लास्ट स्टेज पर आ गया है, तुम्हारा बोन कैंसर। देखो पल्लवी, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें अपनी फैमिली वालों को ये सब बता देना चाहिए तुम्हारी बीमारी के बारे में। देखो पल्लवी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे तो डर लग रहा है कि तुम अभी जैसी हो वैसी नहीं रहोगी, यहां तक कि तुम चल फिर भी नहीं सकोगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो अभी ही करना पड़ेगा। चाहिए आपको माँ जी? तुम जबरदस्ती इस घर में घुसाई, मैंने कुछ नहीं कहा। शारदा ये घर छोड़कर चली गई, तब भी मैं चुप रही। तुमने चिराग पर हाथ उठाया, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। लेकिन आज, आज तुम्हारी बेटी ने तो हद ही कर दी। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अब इतना भी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? क्या तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी शारदा के फैक्ट्री में जाती थी
मैंने उसे वहां जाने से मना भी किया था। मना किया था और तुम्हारा काम खत्म। क्या सही है क्या गलत है उसे सिखाना तुम्हारा काम नहीं है? वैसे गलती ही तो उसकी नहीं है ना, बच्चा तो वो ही करेगा जो वो माँ बाप को देखता है करते हुए। और उसकी माँ, उसकी माँ तो इस घर को बर्बाद करने पर तुली होगी। गलती उसकी नहीं है, बच्चा तो वो ही करेगा जो वो माँ बाप को देखता है करते हुए। और उसकी माँ, उसकी माँ तो इस घर को बर्बाद करने पर तुली होगी। बहुत हो गया माँ जी, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कैसी माँ हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रही हूँ, वरना आपके बेटे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बर्बाद करने की। आपको जो कुछ भी कहना है अपने बेटे को कहिए, मुझ पर और मेरे बच्चों पर इल्जाम मत लगाइए। मेरे बेटे ने तो गलत किया ही है, लेकिन तुमने कौन सा सही किया है? दरअसल क्या है पता, तुम्हारी परवरिश गलत है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे इस तरह का सलूक करते हैं। अरे शारदा के बच्चों को देखो, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कभी गलत सलूक किया? और आपको पता, मीता आंटी बहुत खुश थी, उन्होंने इतनी अच्छी चीजें कही। And you know what? What? Ta-da! देखिए। Wow! Blank check. हाँ करें। मीता आंटी ने फिर से माँ को ब्लैंक चेक दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी अगली क्लाइंट भी वही होंगी। Great! हाँ करें। हम ना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करेंगे। फैक्ट्रीज, वर्कर्स, मशीन्स, 50 कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन्स। मैं तो सोच सोच के ही पागल हो रही हूँ सच। साक्षी, अगर सब कुछ ठीक चला ना तो अगले 2-3 सालों में हमारा बहुत नाम हो जाए और हम एक बहुत बड़े फैशन हाउस की तरह जाने जाएंगे। बिल्कुल, धूम मचा देंगे हम। यस। दादी, लतिका दी, चिराग। दादी। आइए ना। दी प्रणाम। अरे माची, आइए आइए। तुझे? अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जल गया है। देख रहा है। बेटा ये सब छोड़, चल आ बैठना मेरे पास। अम्मा, हम जानते हैं कि क्या हुआ था, पर आपने पुलिस से असलियत क्यों छुपाई? उस लड़की को जेल में होना चाहिए। अरे जाने देना बेटा, बच्ची है वो, गलती हो गई उससे, भटक गई है वो। शारदा मुझे माफ कर दे, ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ। अच्छा ये सब बातें छोड़िए ना, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। करें माजी, ये देखिए मेरी पहली कमाई। शारदा तूने करके दिखाया, तूने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। माँ जी सब आप ही का तो आशीर्वाद है, और वैसे भी मैंने ये सब कुछ अकेले नहीं किया है, साक्षी और करण भी तो मेरे साथ थे, और जो फैक्ट्री की सारी औरतें हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है माँ जी, सबने साथ में मिलके किया है। वाह मम्मा, आप तो सचमुच एक बिजनेस वुमन बन गई। अभी बिजनेस वुमन बनी नहीं है, अभी तो बिजनेस वुमन बनना बाकी है। आपको पता है नीता आंटी बहुत खुश थी, उन्होंने माँ से बहुत 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 अच्छी बातें कही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। बताइए मम्मा, आपने इन ऑफर्स के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं। नहीं मतलब? बेटा दरअसल बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिजनेस नहीं करना चाहती।